तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज है डे 3 कश्मीर का। तो आज हम लोग चेकआउट वगैरह कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 3 दिन हो गए हैं यहाँ पे। 3 दिन में हमने श्रीनगर भी पूरा कवर कर लिया, हमने पहलगाम कवर कर लिया, गुलमर्ग भी हमने कवर कर लिया, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो आज हमारी इवनिंग की फ्लाइट है 5 PM की श्रीनगर से, राइट। तो अभी हम यहाँ पे लोकल मार्केट्स वगैरह और एक्सप्लोर करेंगे। कल यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोर हो नहीं पाई थी क्योंकि यहाँ पे जल्दी बंद भी हो जाती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस व्लॉग में भी। तो आज थोड़ी बहुत लोकल मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं और फिर चलते हैं एयरपोर्ट, क्योंकि वो भी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है होटल में। ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था, मैं अभी आपको उसका भी क्लिप दिखाता हूँ, राइट। तो अब यहाँ से चेकआउट करने का टाइम आ गया है। ये था कुछ होटल का हमारा रूम, काफी बढ़िया होटल था। इसका भी मैं प्राइजेज एंड सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगा, राइट। तो अभी चलते हैं, चेकआउट करते हैं और लेके चलते हैं आपको मार्केट। गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं लाल चौक मार्केट, जो मक्का मार्केट है, कश्मीर की सबसे फेमस मार्केट है। तो ये लाल चौक में बेसिकली बनी हुई है, इसको मक्का मार्केट भी बोलते हैं। एक्सेसरीज में भी एंड क्लोथिंग में भी दोनों चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पे। हाउस डेकोर के लिए भी बहुत चीजें मिल जाएंगी। तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं हम क्या खरीदते हैं यहाँ से। तो भाई यहाँ पे जीन्स, जैकेट्स सबके मिल जाएंगे, बच्चों के, वुमेन्स के, मेंस के, सारे क्लोथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। एंड प्राइजेस भी बहुत जेन्युइन है, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है यहाँ पे। प्राइजेस देख सकते हैं क्वालिटी वाइज भी। तो भाई फुटवेयर वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल दिल्ली वाले ही प्राइजेस हैं, नॉर्मल प्राइजेस जो हमें लाजपत वगैरह में भी मिल जाते हैं, सेम प्राइजेज हैं। लॉन्ग कोट्स, लोअर्स, हुडीज। वे ग्रीन वाली कितने की है, जॉर्डन की? सेकंड या फर्स्ट? सेकंड, 850। नॉमिनल प्राइजेज हैं, कोई इतने वो नहीं है। 850 तो वर्थ इट है क्योंकि गर्म भी हैं ये हुडीज वगैरह। बाकी यहाँ पे आप लोअर्स वगैरह भी देख सकते हैं एंड जो प्रॉपर जैकेट्स रहती हैं इनका भी प्राइस 550-650 ही है यहाँ पे। वुलन में भी आपको बहुत स्टफ देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब मस्ट विजिट मार्केट है यहाँ पे। यहाँ पे लेडीज का भी नाइट वेयर वगैरह भी प्रॉपर मिल जाएंगे एंड बच्चों के भी। तो गाइस अभी श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, शॉपिंग में भी बहुत टाइम लग गया एंड श्रीनगर की सिक्योरिटी चेक भी बहुत ज्यादा है। 2 बार तो अभी तक लगेजेज ही चेक हो चुके हैं, उसके बाद अंदर जाके भी अभी चेकिंग होनी है। एंड शॉपिंग इतनी कर ली है कि आप देख ही सकते हैं कि अंदर उसमें भी दिक्कत होगी अभी चेकिंग में, क्योंकि हमारी जो स्पाइस जेट की है उसमें 3 मेंबर्स का 45 kg ही अलाउड है एंड ऑलरेडी 60+ हो चुका है। तो उसमें भी अभी इशू आने वाला है अंदर चल के, तभी हम थोड़ा टाइमली आ गए हैं। बाकी अभी लंच वगैरह भी करना है तो अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है, पहले चेकिंग वगैरह कर लेते हैं क्योंकि जिसमें अभी मेन इशू आने वाला है। तो आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं श्रीनगर में और क्या क्या है सिक्योरिटी चेक। जैसे कि हम यहाँ पे लॉन्च एक्सेस करने आ गए हैं इंटरनेशनल श्रीनगर एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पे कुछ मल्टीपल कार्ड्स पे ऑफर है जिन पे हम लॉन्च एक्सेस वगैरह भी कर सकते हैं। तो हमारे पास तो HDFC AU वगैरह सबका ही था, तो हमने लॉन्च एक्सेस कर लिया। ओनली 2 रुपये में आपका प्रॉपर बुफे वगैरह आ जाता है एंड प्रॉपर रिक्लाइनर लॉन्च एक्सेस मिल जाता है हमें। ठीक है, बुफे में देखते हैं क्या क्या है इनके पास और आपको लेके चलते हैं। तो भाई इस बुफे में अपने इनके पास स्वीट कुकीज़, सॉल्टेड कुकीज़, खारी इनकी कोई यहाँ की फेमस डिश है, बाकी सैंडविचेस, बिरयानी, वेज बिरयानी एंड चिकन बिरयानी बहुत। तो इसको भी हम ट्राई करते हैं एंड बताते हैं आपको।
ये आपके चिकन सैंडविचेज हैं, ये वेजिटेबल सैंडविचेज हैं एंड जूसेस वगैरह तो कॉमन है, वो तो हर जगह ही रहते हैं, तो इनको भी एक बार ट्राई करते हैं। अब 2 रुपये में ये सब तो फैसिलिटी बहुत सही है ना। तो AU बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI इन सब पे अवेलेबल रहता है, तो ये सब आप भी ले सकते हैं। भाई अभी हमने अपनी रिक्लाइनर सीट ले ली है एंड अब देख ही सकते हैं, चिकन बिरयानी, चिकन सैंडविचेस एंड कुकीज़ वगैरह ले लिया, तो एक बार ट्राई करते हैं। बिल्कुल एवरेज बिरयानी है, जैसे बीमार लोगों को नहीं देते, विदाउट स्पाइसेस, विदाउट कुछ, चिकन के पीसेस भी बॉइल्ड नहीं है प्रॉपरली, तो साथ में दलिया भी रखा हुआ है इन्होंने। गाइस पहुंच गए हैं T1 एयरपोर्ट अपने दिल्ली, टर्मिनल 3 पे लैंड हुई है, वैसे T3 पे होनी थी बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी अब अपनी टैक्सी वगैरह करते हैं, अभी ओला बुक करी है, आने वाले हैं भैया, तो चलते हैं घर की तरफ और इस व्लॉग को इसी के साथ ख़त्म करते हैं। ऐसे ही लाते रहेंगे आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स, ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिए, तब तक के लिए जय श्री राम।